जो किताब लिखी जो बहुत मशहूर दास कैपिटल सरमाया, तो वो उसकी 3000 सफ़े की किताब होगी और 3 उसकी जल्दें हैं, उसमें उसने सारी बहस की, उसके अपने बहुत नजरियात हैं और उसमें और अक्सर इंटरव्यू में शख्स के लिए जवाब मुश्किल होता है इसका देने, जब उसकी थ्योरी पर हम सवाल करते हैं कि उसमें उसने क्या मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री जो है कि तारीख की मादी ताबीर, उसका नज़रिया था कि उसका नज़रिया ये था कि जो भी दुनिया में तब्दीलियाँ आती हैं उसकी बुनियाद सिर्फ माशियात होती है, पैसा, पैसा जो है उसका बुनियादी सबब होता है। तो ये वो नज़रिया है जो फ्राइड वगैरह के जो नज़रियात हैं उससे मुख्तलिफ है कि सिर्फ पैसा या मादी चीज़ों की अहमियत जो है वो हासिल होती है, कहीं इंकलाब आता है, तब्दीली आती है। मसलन अगर पाकिस्तान क्यों बना, हम कहते हैं इसकी वजह मजहबी है, लेकिन कार मार्क्स के पैरोकार कहेंगे इसकी वजह माशी है कि इंडिया में सलूक अच्छा नहीं होता, तो मुसलमानों से माशी तौर पर पछुआ जाते, इसलिए उन्होंने कहा कि हम नौ जो है एक्सप्लाइटेशन ना हो। तो इस तरह उसके सारे नज़रियात इकनॉमिक्स के गिर्द जो है घूमते हैं और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उसने लिखा था और उसके आखिर में उसका जुमला यह था कि दुनिया भर के मजदूरों मुत्तहिद हो जाओ, तुम गुलामी के जंजीरों के सिवा कुछ न खोगे। इकबाल ने इस पर तंकीद भी की है, अहमियत भी।